तो वेलकम टू गुलमार्ग। श्रीनगर से गुलमार्ग मैं पहुंच चुका हूं। आज है 26 नवंबर और ये है हमारा होटल गुलमार्ग इन। चलिए अंदर चलते हैं। पहले हमारी आ चुकी है, खा के देखते हैं इसे। बहुत गर्म है भाई। चाय भी भेज सर। जी जी चाय भी दे दो। क्या चार्जेस हैं भैया इसके स्केटिंग के? जी सर, एक्चुअली इसमें दो किस्म के चार्जेस रहते हैं, विद टीचर विदाउट टीचर। कोई अगर खुद करना जानता है उसके लिए 1200। ओके। उसके बावजूद मास्टर साथ लेना चाहता है उसका 1000 एक्स्ट्रा। ओके। अगर अगर बंदे ने खुद करना हो तो उसका कितने? 1200। जी सर। ओके ओके। बाकी आपके साथ प्रॉमिस है, 5 मिनट के बाद आप खुद करना चाहिए और 5 मिनट के बाद ये कोट वोट आप निकाल देगा। टाइम अनलिमिटेड, ऐसा आप जितना टाइम करना चाहते हो पहले यहाँ से करो, उसके बाद वहाँ कर सकते हो। किस साइड होती है? उस साइड ऊपर? नहीं नहीं, पहले यहाँ पे फिर उसके बाद इस साइड। इस साइड में? हाँ, उधर टॉप से। अच्छा, तो टॉप से नीचे। ओके भैया, तो अगर आप स्केटिंग करना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहो तो 1100 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको साथ में ट्रेनर चाहिए तो उसके लिए आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये ऐसे सिखा रहे हैं उनको। मैं सर पंजाब से। फर्स्ट टाइम कश्मीर? जी सर। कैसा? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है कश्मीर आपका। हम सब सबका है, एक का नहीं है, सबका। कश्मीर बहुत अच्छा यार, बना उसी की। क्या डिसाइड है? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ। जी सर, कैसा फील कर रहे हो आप यहाँ पे आके? अच्छा फील कर रहे हैं भाई। कैसे लोग मिले आपको यहाँ? अच्छे मिले। कोई एडवेंचर किया आपने सर? नहीं, अभी मैं फिलहाल आया हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो अभी तो फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ। द ट्रैवलर किंग। जी जी। फिलहाल अभी तो अपना काम कर रहा हूँ, फिर मैं करूँगा। पंजाब से? पंजाब। फिर थोड़ा खा ले, बात करो वापस। अब भैया कहाँ से आए हो आप? हम श्रीनगर से। अच्छा, आप श्रीनगर से हो, लोकल ही हो यहाँ के। ये केबल कार को रास्ता जाता है? ये पता नहीं, आप भी ऐसे घूम रहे हो? यहाँ से तो नहीं होगा, वो ऑपोजिट में होगा। अच्छा, वो वहाँ से होगा। गंडोला का आप बोल रहे हो ना? हाँ, वो केबल कार वो तो ऑपोजिट है, अफरवट साइड। अच्छा, वो दूसरी तरफ। हाँ, फिर आप अफरवट जा सकते हो। ठीक है, आपने की है स्केटिंग वगैरह? हम अब सीख रहे हैं। सही है, सही है। आप कॉलेज के हो गए? कॉलेज यूनिवर्सिटी? हमारे पैर टूट गए। ब्लॉगर हो? हाँ। YouTube चैनल का क्या नाम है? मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। नहीं, यहाँ पे बर्फ पड़ी। आ जाओ, आज आ जाओ YouTube चैनल पे। जी जी, ये रहा बर्फ का गोला। जी नहीं नहीं, करो तो पॉजिटिव प्लेस देख लो। आपको चलना नहीं, स्लेज गाड़ी में वीडियो सीडी सब कुछ उठाई। थैंक यू सर। पहुंची जगह पे स्टार रेडी है, मर गया। सॉरी सर, थैंक यू। हमारा बोलना फर्जी है। जी जी जी, कुछ देख कर जाएगा इसी दिए। आपके पास कैमरा भी है ना, सब कुछ वीडियो हो जाएगी।
नहीं कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। रेट इतना नहीं लगेगा, रेट कम लगेगा। नहीं थैंक यू सर, आपने पूछा हमसे। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, पहले हम वहाँ पे घूमने चलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे केबल कार में। ये शिव मंदिर का रास्ता है जी। बैठे खा लिया भाई, मजा आ गया यार। ठंड भी बहुत है यार यहाँ पे, लेकिन मेरे पैर पूरे बर्फ में धंस रहे हैं, चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यार इससे। वैसे शूज़ तो मैंने ले लिए थे, जो स्नो शूज़ होते हैं, आपके वाले जो हमारे दूसरे शूज़ होते हैं वो तो यार यहाँ पे गीले हो जाएंगे बर्फ में, ये सही रहेंगे आपको। यार जितनी खुशी मुझे यहाँ आकर हुई है, उतना ही मुझे गम भी हो रहा है, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ यार। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं यार, उन्होंने मतलब परेशान कर दिया मुझे। उतने यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आए हुए जितने यहाँ पर गाइड घूम रहे हैं। आपको बार बार तंग करेंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप गाइड कर लो, आपको ये सारी जगह घुमाएंगे, ये वो सो। ठीक है यार, मानते हैं कि आपका जो रोजी रोटी है टूरिस्ट के सिर पर ही चलती है, सही है, लेकिन आपका प्राइस भी तो रिजनेबल होना चाहिए ना। अगर किसी से बात करो 1000, 1500, 2000, यार मैं इतने अफोर्ड नहीं करता भाई। मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और अपने तरीके से घूम रहा हूँ यार। मतलब मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा यार। कोई पीछा छोड़े तो मैं वीडियो बनाऊँ, तभी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अब रास्ते में आ रहा था तो मुझे 10-15 लोग मिले, मतलब खुद से जाने के लिए भी पैदल मैंने जाना है और एक बंदे ने मेरे साथ जाना है, उसके लिए भी मैं इनको 1000 दूँ यार। मतलब ये कोई बात बनी। और एक इनकी कश्ती है जो ये बर्फ में चलती है, उसके लिए भी ये 1000-1200 मांगते हैं। और स्केटिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 1100 उसका जो चार्जेस है। मतलब यार अगर कोई बंदा खुद से अकेले घूमना चाहे तो भाई क्यों नहीं घूमने देते यार, इतना तो करने दो। इतनी अच्छी जगह है, मतलब मज़ा आ रहा है घूमकर। मतलब आप उस मज़े को किरकिरा कर रहे हैं। वो सामने केबल कार का है, मुझे वहाँ पर जाना है। हार्डली मुझे वहाँ पर 15-20 मिनट लगेंगे और उसके लिए भी यार मुझे इनको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। चलो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कभी भी अगर आप यहाँ पर आओ। वैसे तो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी यहाँ की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि आपको यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करनी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर नाइट स्टे करने का। आप दिन में आओ, सुबह जल्दी आओ, पूरा दिन यहाँ पर घूमो और उसके बाद नीचे चले जाओ टंग मार्ग में, वहाँ पर रह लो, सही रहेगा आपको। एक तो यहाँ पर रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा यार कुछ रहेगा ही नहीं। आप दिन भर घूम सकती हो ना, उसके बाद क्या करोगे रात को। मैंने गलती से यहाँ पर होटल बुक किया हुआ है, तो चलो मैं आज की रात यहाँ पर निकालूंगा और फिर उसके बाद सुबह जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊँगा पहलगाम के लिए। अब पहलगाम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर रुका जाए या नहीं रुका जाए, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही बर्फ़ होगी, स्नो है, वहाँ पर भी टूरिस्ट गाइड होंगे जो ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अरे यार प्लीज़ यार, अगर आप टूरिस्ट गाइड यहाँ के, अगर आप ये वीडियो देखो तो इतना तो प्लीज़ समझो यार, किसी को इतना परेशान मत करो। ठीक है एक दो बार पूछो, अगर बंदा नहीं मान रहा तो यार छोड़ दो ना, उसका पीछे छोड़ दो, क्यों आप बार बार उसके पीछे जाते हो। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ गंडोला में, यहाँ पर गंडोला कार होती है, जो क्या बोलते हैं जैसे, एक तो ये बाइक्स हैं जो आपको बर्फ में चलाएंगे, घुमाएंगे पूरा,
और केबल कार, आगे केबल कार है, केबल कार पे आपको लेके चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या एंट्री फीस रहती है इनकी, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें जाना है या नहीं जाना है। ईडन रिसोर्ट, दिखाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना कहाँ पे, दिखाता हूँ पक्का आपको दिखा रहा हूँ। वो सारे फोर्थ क्लास में आते हैं, पाकिस्तानी फाइव स्टार यहाँ पे इसी होते हैं सेटिस्फाइड है, लेकिन वहाँ पे ना इच एंड एवरी थिंग आपको कहाँ जाए यहाँ पर फैसिलिटी चाहिए, एम पी जाए बात अकेले ठीक है। यहाँ पे स्टे कर रहे हो या वापस जा रहे हो? अच्छा मैं पंजाब से हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। जी बाकी लिफ्टिंग टाइमिंग, नो एंट्री विदाउट मास्क, फेस मास्क, पहले हमें फेस मास्क पहनना पड़ेगा यार। शिट मैन, मेरा मास्क कहाँ चला गया यार। ऐसे देख तो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू। अभी ऐसे देख सकते हैं? हाँ देख। थैंक यू। ये केबल का है, अपने सामान नीचे उतारो। काफ़ी आगे आ चुका हूँ यार मैं, अब मुझे वापस चलना चाहिए। अब रूम के आसपास देखता हूँ कुछ अगर देखने लायक हो, वैसे तो यार सभी जगह बर्फ ही बर्फ है, ऐसे और तो कुछ देखने को है नहीं। मैंने एक बात नोटिस की यार यहाँ पे कि ओह माय गॉड गिर चला था मैं यार, कि हमें बर्फ में दिखाई कम देता है, क्योंकि जो हमारी आँखों की पुतली है ना वो छोटी होती जाती हैं ठंड में, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। मैं कब से ये नोटिस कर रहा था यार, क्योंकि लोगों ने काफ़ी यहाँ पर सनग्लासेस लगाए हुए हैं ताकि उनको उनके ताकि उनको सही से दिखाई दे। और जब भी आप बर्फ़ में चलो तो थोड़ा ध्यान रखो, जो रास्ता हो पगडंडी हो उसी के ऊपर चलो, अगर ऐसी बर्फ़ के ऊपर चलने की गलती करोगे ना तो आप तो भाई दस जाओगे बर्फ में, और किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो गलती से भी ऐसे रास्तों में मत जाइएगा, सिर्फ उसी रास्ते को चूज़ कीजिए जहाँ से पहले से ही लोग जा रहे हों, खुद से कोई अपना रास्ता ना बना लेना भाई। अब नीचे जाते हुए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिसलन है थोड़ी सी, पूरा बचा कर मुझे पैर रखने पड़ रहे हैं अपने, अगर यहाँ से फिसला तो सीधा नीचे जाकर रुकूंगा वहाँ पे।
कल से श्रीनगर में बारिश हो रही है और आज दूसरे दिन की शाम को थोड़ा मौसम साफ हुआ है, लेकिन शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है लेकिन धूप देखने को नहीं मिली। दोस्त, गुलमार्ग मार्केट से आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे चलकर, 10 मिनट का रास्ता है, तो आपको एक मिलेगा यहाँ से व्यू पॉइंट। यहाँ से आप ऊपर जाकर गुलमार्ग का असली नज़ारा ले सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का शानदार व्यू। महाराजा पैलेस देखने जा रहा था गुलमार्ग मार्केट से, तो अच्छा। ये मुझे अंकल मिल गए, ये मुझे छोड़ रहे हैं वहाँ तक, इनके साथ की चेकिंग कर रहा हूँ। तो थैंक यू अंकल आपका। आप कितनी देर रुकोगे वहाँ पे? मैं आपको ही छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे मुझे वापस ही जाना है उधर। अच्छा, मार्केट में स्पेशल छोड़ने जा रहे हैं भाई। तो फिर तो इनका ढेर सारा धन्यवाद बनता है। आप इधर घूमोगे तो आप शाम तक पहुँच जाओगे इधर। हाँ, मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगा यहाँ पे, आधा घंटा बहुत है मुझे। है वैसे काफ़ी दूर है ये मार्केट से। यार, होटल वालों ने मुझे बोला था कि आपको 10-15 मिनट लगेंगे महाराजा पैलेस तक पहुँचने में, लेकिन कब से चली जा रहा हूँ मैं, गाड़ी में लिफ्ट भी ले ली मैंने, मतलब 10-15 मिनट का रास्ता तो उन्होंने कवर करवा ही दिया था मुझे। और कब से मैं चल रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे महाराजा पैलेस नहीं दिखा है। खुशी की बात सामने ही है, यहाँ से बोर्ड दिख रहा है अभी महाराजा पैलेस का, वो सामने, मतलब पहुँच गया मैं फाइनली। यहाँ से है महाराजा पैलेस की एंट्री। अब है क्या इसके अंदर, वो तो सिर्फ यही एक रास्ता था और इस रास्ते से मैं जा नहीं सकता, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, कहीं मैं फंस ना जाऊँ उस रास्ते से। तो चलो भैया वापस चलते हैं, अब होटल में चलते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, दिन ढलने वाला है, सूरज नीचे जा चुका है। यार मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इस तरफ और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे। जब मैं आ रहा था तो भी मुझे कोई भी बंदा इस तरफ आता हुआ या जाते हुए कोई नहीं मिला, और ना ही अब कोई दिखाई दे रहा है। तो भाई डर तो लग रहा है यार, जल्दी जल्दी से पहुंचता हूँ यार नीचे। जो गाड़ी वाले अंकल आए थे उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप पहाड़ी से होकर जाओगे उस तरफ से होकर नीचे को, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे लिए यही सही होगा कि मैं इस रोड से ही होकर चला जाऊँ, चाहे मुझे 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएँ, तो सेफ रहेगा जी मेरे लिए। तो हमारी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।